राजस्थान में बढ़ती महिला हिंसा और रेप की घटनाओं के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द नगरी न्यूज में, मैं गरिमा गौर। राजस्थान के करौली से 3 अगस्त को एबीवीपी ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ न्याय यात्रा की शुरुआत की थी। एबीवीपी की करौली से 3 अगस्त को निकाली न्याय पद यात्रा गंगापुर लालसोट बस्सी से होते हुए आज जयपुर पहुंची। जयपुर में न्याय यात्रा घाट की घूणी में विश्राम करेंगे, जिसके बाद यात्रा कल गुरुवार को राजस्थान विश्वविद्यालय पहुंचेगी, जहां हजारों की संख्या में छात्र न्याय हुकार रैली में शामिल होंगे। इस न्याय हुकार रैली में अभाविप के राष्ट्रीय महामंत्री याज्ञवल्क शुक्ला, राष्ट्रीय मंत्री हुशियार मीणा सहित बड़ी संख्या में युवा शक्ति शामिल होगी। ये पद यात्रा राजस्थान के व्यापक भ्रष्टाचार, पेपर लीक, महिला के प्रति बढ़ते अपराधों के विरोध में निकाली गई है। इस यात्रा ने करौली से जयपुर तक 181 किलोमीटर की लंबी दूरी आज शाम तक तय की है। राजस्थान में युवाओं का एक बड़ा तबका बेरोजगारी की मार झेल रहा है। न्याय पदयात्रा आम जनों से संवाद और जन जागरण करते आगे बढ़ी है, जिसे बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं समेत समाज के प्रत्येक वर्ग का समर्थन प्राप्त हुआ है। बोलो वंदे मातरम, बोलो वंदे मातरम, बोलो वंदे मातरम, बोलो वंदे मातरम।